ओके स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा पिछला रिपीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, एक इस नाम से बना रहे हैं हम एक डेटाबेस, टेस्ट के नाम से। नजर आ रहा है आप लोगों को सबको? एक हम टेस्ट के नाम से बना रहे हैं। आपकी देखो टेस्ट के नाम से डेटाबेस बन गई है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमारी टेस्ट नाम की डेटाबेस बन गई है। ठीक है, अच्छा आपको मैंने कहा था इस चीज को मजीद अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इफ नॉट एग्जिस्ट लगाने का हमारा फायदा ये हो जाता है कि अगर पहले की बनी हुई है तो ये आपको वार्निंग देता है, आपको एरर नहीं देता। ठीक है, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी एरर और वार्निंग में फर्क बताया था। एरर आपकी एग्जीक्यूशन को, फर्दर एग्जीक्यूशन को ना रोक देता है, जबकि वार्निंग आपकी फर्दर एग्जीक्यूशन भी चिल्ला रहा होता है, आपकी स्टॉप नहीं होती। क्लियर बात यहां तक? तो आप जो बेटर वे ये होता है जो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, चाहे आप एंड्रॉयड की डेटाबेस में चले जाओ, एसक्यूएलआईट में आ जाओ, MySQL में आ जाओ, किसी भी आ जाओ, तो उन्होंने लाजमी क्रिएट करते वक्त लिखा हुआ होता है इफ नॉट एग्जिस्ट। डन बात यहां तक? ओके अच्छा, हमारी डेटाबेस बन गई है। डिलीट करने का आपको मैंने बताया था, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम हम लिख देते हैं टेस्ट। आपकी डेटाबेस मैसेज यहाँ पे कुछ नहीं होता, मैसेज नहीं आया था वहां से, ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हुई है डेटाबेस। मैसेज नहीं आता यहाँ पे, आपको कोई मैसेज नहीं आएगा कि डिलीट हुआ नहीं हुआ, बाकी आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, आपके जो स्कीमा डायग्राम है वहां से आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अच्छा, हमने उसके बाद डेटाबेस को हम दोबारा क्रिएट करते हैं। मैंने इसको दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ डेटाबेस को, हमारी डेटाबेस दोबारा बन गई है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें हमारी टेस्ट नाम की डेटाबेस बन गई है। टेबल्स कोई नहीं है, टेबल बनाने का कोड क्या लिखा था हमने, क्रिएट टेबल। आप यूज लिखना चाह रहे हैं यूज लिख दें, जो इजी वे है हम ये लिख देते हैं टेस्ट डॉट। ठीक है, टेस्ट डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट, टेस्ट डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद टू राउंड ब्रैकेट्स और ये सेमी कॉलन। ओके डन। अच्छा, अब इसमें हमने क्या बताना है, इसमें हमने दो चीजें बतानी है जो हमारी बड़ी कंपलसरी होती हैं। फर्स्ट वन योर कॉलम नेम एंड सेकंड वन उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो हम कॉलम नेम बता देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, उसके बाद स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, मैं इसके नाम स्मॉल कर देता हूं, एस नेम और एस आईडी रख देता हूं ताकि मुझे भी आगे लिखने में बार बार आसानी हो, स्टूडेंट एस आईडी एंड एस नेम, उसके बाद एज और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद स्टेटस। ओके, मैं ये चीजें सिर्फ पूछ रहा हूं। अच्छा, मैंने ये कॉलम्स के नाम रख दिए। अच्छा, इसके बाद जो हमारा दूसरा चीजें होती है हमारे पास क्या होती हैं, हमने इसके आगे टाइप बतानी पड़ती है। इसकी टाइप में रख देता हूं इंट, इसकी टाइप में रख देता हूं वारचार, वारचार की मैं लेंथ बता देता हूं यहां पे, इसकी लेंथ मैं बता देता हूं 50। ठीक है, इंट की टाइप रख देता हूं, एज की रख देता हूं इंट, क्योंकि आपको पता है कि इसकी इंटीजर्स में होगी, और डेट ऑफ बर्थ की मैं टाइप रख देता हूं डेट। ठीक है, डेट या डेट रखनी है, डेट और टाइम दोनों रखने, दोनों रख सकते हैं। ठीक है, और मेटल स्टेटस में यहां पे रख देता हूं मैं वारचार। अच्छा, इसके बाद अब अगर हमने ये हमारा सिंपल सा हो गया, मैंने आपको कहा था कि हमने एक और करना होता है, हमने इंडेक्सेस लगाने होते हैं। क्या लगाने होते हैं? इंडेक्सेस। इंडेक्सेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, क्योंकि हमने कितने किस्म के पढ़े थे, प्राइमरी की, यूनिक की और फॉरेन की। ओके, प्राइमरी की किस तरह लगाई थी हमने, किसी भी कॉलम के आगे मैं आगे लिख देता हूं प्राइमरी स्पेस की। ओके, आप खाली प्राइमरी लिखोगे आपको एरर दे रहा है, क्रॉस का सिंबल आ रहा है आपको, ये देखें, आपको आगे लिखना पड़ेगा स्पेस की।
कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, विंडोज में इशू नहीं है लेकिन लिनक्स में इशू आएगा, आपको मैंने उस दिन भी क्लियर किया था। क्लियर? मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्राइमरी स्पेस की, हम प्राइमरी किसको बना रहे हैं, एस आई डी को। आपके हर टेबल के अंदर प्राइमरी की कितनी होती है, मैक्सिमम वन, ठीक है, कितनी होती है टोटल, वन, एक से ज्यादा आपकी एक टेबल में नहीं हो, दूसरे टेबल में फिर आप बनाओगे प्राइमरी की। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि जो उसका नाम भी आ रहा है यहाँ पे भी रेपिटेशन ना हो, यहाँ पे भी क्या ना हो, रेपिटेशन ना हो, क्योंकि अभी जो है अभी यहाँ पे रेपिटेशन हो रही होगी। स्टूडेंट नेम हम रिपीट कर सकते हैं बार बार, उसकी एज सेम हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है और मेडिकल स्टेटस भी हमारा सेम हो सकता है। हम चाह रहे हैं जो स्टूडेंट नेम ये सेम ना हो, तो प्राइमरी की हम लगा नहीं सकते क्योंकि प्राइमरी की यहाँ पे किसी एक कॉलम को लगती है, ओनली वन। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ लगा देंगे यूनिक की, यूनिक खाली लिखते हैं, या तो आप यूनिक लिख दो या यूनिक ही लिख दो, दोनों सही है, ठीक है, इसमें मसला नहीं है। हमने इसका क्या लगा दिया, यूनिक। प्राइमरी की आपकी एक टेबल में एक होती है, यूनिक की आपने सबको लगानी है, आप सबको लगा दो, कोई इशू नहीं है। डन बात यहां तक, आप यूनिक की, आपको मैंने बताया था प्राइमरी की यूनिक की में फर्क ये होता है, प्राइमरी की डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करती, यूनिक की भी डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करती। प्राइमरी की में हम कोई भी सेल को खाली नहीं छोड़ सकते, यूनिक की में हम एटलीस्ट वन सेल को खाली छोड़ सकते हैं। आपने वन सेल को खाली छोड़ा, अगले सेल को खाली छोड़ोगे तो वो रेपिटेशन आ रही है कि वो भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट, दोनों सेम हो रहे हैं, दोनों एम्प्टी हैं, तो आप एक को खाली छोड़ सकते हो, अगले को फिल करना पड़ेगा, पिछले वाले को फिल कर दो फिर अगले वाले को भी खाली छोड़ सकते हो। एस नेम को यूनिक ही लगी भी, हम कोई एक रिकॉर्ड को, हम ये एक रिकॉर्ड में हम एस नेम को खाली छोड़ सकते हैं। क्लियर बात यहां तक। अच्छा, अब आप अगर मुझे ये कहो कि सर मैं खाली भी छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूनिक ही में हम एक को हम स्किप कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ लिख दो नॉट नल। क्या लिख दोगे, नॉट नल। नल का मतलब होता है इसको हम खाली छोड़ सकते हैं, और नॉट नल का मतलब है इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। नल लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर आपका कॉलम नल होता है, ठीक है, आप नहीं बताते हो ये सारे मेरे सेल, ये मेरे सारे कॉलम्स के हैं यहाँ पे नल है, एक्सेप्ट प्राइमरी की। प्राइमरी की आपको मैंने बताया, जब आप प्राइमरी की लगाते हो तो ऑटोमेटिकली नॉट नल हो जाता है। क्लियर बात यहां तक, प्राइमरी की आपका ऑटोमेटिकली नॉट नल हो जाता है। बाकी इनके साथ भी नॉट नल लगा रहा हूं मैं, और इसके साथ भी मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, नॉट नल, कि मैं इन दोनों को स्किप नहीं कर सकता, इन दोनों की वैल्यू देना मेरे लिए लाजमी है। क्लियर? ओके, हमारा प्राइमरी की हो गया, हमारा यूनिक की हो गया, हमने इसके साथ आउट इंक्रीमेंट भी लगाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑटो इंक्रीमेंट। अब क्या होगा, इसका ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट भी होता रहेगा, कोई मसला यहाँ तक। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अच्छा, इसके साथ भी मैं लिख सकता हूँ इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मैं इसके साथ भी लिख रहा हूँ इफ नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट टेबल के साथ भी हम लिख सकते हैं इफ नॉट एग्जिस्ट। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं एग्जीक्यूट कर दिया, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंटर है अगर आपने चलाना है। ओके, ये हमारा यहाँ पे हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टेबल्स के अंदर बन गया। टेबल्स के अंदर देखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर आके कॉलम देखेंगे, कॉलम्स में हमारे सारे कॉलम शो कर रहे हैं, प्लस इंडेक्सेस में हमारे दो इंडेक्स शो कर रहा है, एक प्राइमरी दूसरा एस नेम। प्राइमरी की पे, प्राइमरी हमारी किस पे लगी हुई है, एस आई डी पे, और एस नेम पे मेरी कौन सी लगी हुई है, यूनिक की। डन बात यहाँ तक, ओके क्लियर, ओके। हमने ये क्रिएट, हमने ये ड्रॉप देख लिया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेव करने पे, इंसर्ट इनटू के बाद मैं यहाँ पे टेबल नेम बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद मैं यहाँ पे कॉलम्स नेम बताता हूँ, कॉलम्स नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, और दूसरा लिख देता हूं स्टेटस, ठीक है। इसके साथ इसकी वैल्यूज बता देते हैं, वैल्यूज, और वैल्यूज के आगे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज बता देता हूँ। फर्स्ट वन मेरा एस नेम है, जिसकी टाइप मैंने वॉचर रखी है,
तो जिसकी टाइप वार्चर या टेक्स्ट होती है उसको हम कोट्स में लिखते हैं, सिंगल कोट कर लो डबल कोट कर लो मैटर नहीं करता। इसमें हम एस नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अहमद, उसके बाद नेक्स्ट वन हमारी एज है वो हमारी इंट में है वो मैं 20 दे रहा हूँ विदाउट कोट्स, और नेक्स्ट वन हमारी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यही है, मैंने इसमें मान लिया सारा कुछ बता दिया। अच्छा नेक्स्ट वन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ मैंने ये लिख दिया है सॉरी, इसको हमने सिंगल कोट्स में करना है, इसको मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में करूँ ठीक है। इसके बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके जरा इधर आप देख लें। इसके अंदर जो डेट सेव करने का जो तरीका है ना वो ये है कि जो आप इतना दे रहे होते हो ना ये आपकी पिक कर रहा होता है स्ट्रिंग में ठीक है, आपने उसकी टाइप के रखी हुई है डेट, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन इनका बाय डिफॉल्ट कॉल करना पड़ेगा str टू डेट, स्ट्रिंग टू डेट, डेट में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम अपनी डेट बता रहे हैं, यहाँ मैं बता रहा हूँ 01-03- ये डेट बताई, यहाँ मैं इसका पैटर्न बता रहा हूँ, फर्स्ट वन मेरा यहाँ पे डेट है, सेकंड वन मेरा यहाँ पे मंथ है, और थर्ड वन मेरा यहाँ पे क्या है ईयर, ये बाहर कोर्स नहीं आनी। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये आपका एग्जीक्यूट हो गया ठीक है, मैं नाम चेंज कर देता हूँ उस्मान, ये देखें ये मैंने चलाया वन रो अफेक्टेड, मुझे एरर दे रहा था वो इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं नाम सेम रिपीट कर रहा था दोबारा से, जो मेरा पिछला रिकॉर्ड सेव हुआ हुआ था उसको मैं कर रहा था। अगर हमने चेक करना है मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टैरिक, ये लिखा देखो आपके रिकॉर्ड आ रहे हैं, दोबारा सेव हो तो गया मैंने यहाँ पे इस डेट को लिखने के लिए हम ये यूज करते हैं str to date, ये कोर्स के बगैर है, उसके अंदर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरी डेट ये है और इसका पैटर्न ये है, d stand for date, m for month and y capital y for year, हम यहाँ पे capital y यूज करते हैं for year। आपने ये सिंगल कोट्स में लिखा होगा, चेक करें ओके। अच्छा इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यूज एस नेम के अंदर मैं दे रहा हूँ उस्मान, टेक्स्ट थी वार्चर मसला नहीं है, एज नंबर है मैंने विदाउट कोट्स दे दिया है 20 क्योंकि इंट में था, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है इसकी मैंने यहाँ पे टाइप रखी हुई थी, ये देखो जब मैंने टेबल क्रिएट किया है इसकी डेट ऑफ बर्थ की मैंने टाइप की रखी यहाँ पे डेट, डेट पिक करने में ना इसको इश्यू आता है क्योंकि जो आप वैल्यू दे रहे होते हो इसके लिए इजी होता है एक इंट लेना
डेसिमल नंबर लेना या स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग आपकी वार्ड चार्ट टेक्स्ट सब कुछ हो सकता है, लेकिन डेट पिक करना इसके लिए इश्यू होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है MySQL के अंदर, जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं str2date, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने कोई नहीं बनाया। ठीक है, इसके अंदर आपने दो चीजें देनी है, फर्स्ट वन योर डेट एंड सेकेंड वन पैटर्न। ओके, मैंने डेट जिस सीक्वेंस में मैं डेट दे रहा हूँ उसी सीक्वेंस में पैटर्न दे रहा हूँ। ये पैटर्न एज इट इज लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर मैं पहले में ईयर दे रहा हूं तो मैं पहले क्या लगाऊंगा, परसेंटेज वाई। ओके, परसेंटेज एक शो कर रहा होता है फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट को बता रहा होता है कि ये वाला कौन सा फॉर्मेट मैं यूज कर रहा हूं। ओके, मैंने यहां पे वन लिखा था, मैंने यहां पे लिख दिया ये हमारी क्या है, फर्स्ट वन डेट, सेकंड वन मेरा थ्री था, थ्री को मैंने रिप्रेजेंट किया, ये मेरा यहां पे क्या है मंथ, और ये मैंने शो किया थर्ड वन मेरा यहां पे ईयर है। ऑर्डर आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, फिर आपका ऑर्डर यहाँ पे भी चेंज होगा, ये ना आप ईयर पहले लिख रहे हो फिर यहाँ पे डेट वो बता रहे हो, क्योंकि डेट आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती 1995। सिंगल कोर्स में आपने देनी है, हाँ सिंगल कोर्स, डबल कोर्स में मेरे ख्याल से एरर नहीं देगा जहां तक मेरा ख्याल है। अलग अलग दोनों अलग 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 होंगे, दो अलग अलग स्ट्रिंग है, ईयर है यार, कुछ भी दे सकते, कुछ भी दे सकते। बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ तक, हमने इंसर्ट भी कर लिया, हमने अब सिलेक्ट की क्यूरी देख लेते हैं। सिलेक्ट की मैं ये क्यूरी चला रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम। अच्छा, अब मैं आपको आप एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, क्लॉज एक होता है, सेकेंड वन यहाँ पे क्लॉज होता है फ्रॉम। ठीक है, ये आपके दो कंपलसरी होते हैं। सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट क्यूरी हम तब यूज करते हैं अगर मैंने कोई भी डाटा व्यू करना है। ठीक है, मेरा जो सेव डाटा है टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर, उस डाटा को मैंने व्यू करना है, मैं क्या यूज करता हूँ, सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट के आगे हम यहाँ पे क्या बताते हैं, सिलेक्ट के आगे हम बताते हैं यहाँ पे कॉलम्स, कॉलम नेम। सिलेक्ट के आगे हम यहाँ पे क्या बताते हैं, कॉलम नेम, हमने सिलेक्ट के आगे जितना काम है कॉलम नेम बताते हैं, और फ्रॉम के आगे हम बताते हैं टेबल नेम। Means, इसका मतलब ये बन रहा है कि आप सिलेक्ट के आगे बता रहे हो कि किस कॉलम को मैंने देखना है फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, इस टेबल से मैंने किस टेबल को देखना। ठीक है, बात क्लियर बात यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे कॉलम्स को देखना है तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, इस फाइल में कर लू मैं, ये फॉन्ट साइज सही है। ओके डन, ओके यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम, फ्रॉम के आगे लिख देता हूँ टेस्ट डॉट स्टूडेंट, टेस्ट डॉट स्टूडेंट मेरा बेसिकली टेस्ट मेरी डेटाबेस का नाम है, स्टूडेंट मेरे टेबल का नाम है। आपने अगर टेस्ट डॉट नहीं लिखना फिर आपको स्टार्ट में यूज लिखना पड़ेगा, ये आपको लोगों को मैं चीज क्लियर की हुई है। ओके, अच्छा सिलेक्ट, सिलेक्ट के आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अस्टेरिक, अस्टेरिक का मतलब ये होता है फॉर ऑल। ठीक है, अगर मैंने सारे कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करने, मैंने सारे कॉलम डिस्प्ले में लाने हैं, तो मैं सिलेक्ट के आगे अस्टेरिक लगा देता हूँ। आप अस्टेरिक लगा दो या सब कॉलम्स के नाम लिख दो, लाइक दिस एस नेम एज डेट ऑफ बर्थ, इस तरह करके लिख दो, या आप अस्टेरिक लगा दो, एक ही बात है। ओके डन बात यहाँ तक। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यह आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है अहमद उस्मान मान, ये सारी एज, ये इसकी डेट और इसका मेडिकल स्टेटस, डन बात यहाँ तक। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या सिनेरियो अगला, अब अगर मैंने कोई स्पेसिफिक कॉलम देखना है, मैंने सिर्फ यहाँ पे देखनी है एस नेम और दूसरा मैंने देखना है एज, ये दो चीजें मैंने चेक करनी है बस। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट के आगे क्या लिखा, सिलेक्ट एस नेम, कॉलम नेम बताया, और दूसरा कॉलम मैंने क्या बताया कॉमा लगाने के बाद एज, किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम दिखाएगा इस टेबल के,
डन बात यहां तक। ओके अब आप लोग ये देख लें आपका जो यहां पे कॉलम दिखा रहा था वो क्या दिखा रहा था, सिलेक्ट एस नेम एज फ्रॉम टेस्ट डॉट स्टूडेंट, आप ये लिख रहे थे। आपको कॉलम्स के नाम वहां पे क्या डिस्प्ले में नजर आ रहे थे, एस नेम और एज। मुझे ये नाम अच्छे नहीं लग रहे, मैं यहां पे नाम चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। सिर्फ किस वक्त, डिस्प्ले के वक्त, मैं डेटाबेस में नाम, टेबल के अंदर नाम चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं किस वक्त चेंज करना चाह रहा हूँ, जस्ट डिस्प्ले के वक्त। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने लास्ट लेक्चर में भी हमारी डिस्कशन हुई थी इस बात पे, मैंने आपको कहा था कि कॉलम सिलेक्ट के आगे जब हम कॉलम नेम बता रहे होते हैं उसके आगे आप लिख दो एस, एस के आगे आप लिख दो न्यू नेम, जो भी आपने नया नाम रखना। लेकिन ये नाम आपकी डेटाबेस की टेबल में चेंज नहीं होगा, ये बस डिस्प्ले के वक्त आपको नजर आएगा, ठीक है। मैंने नया नाम क्या रख दिया यहाँ पे, स्टूडेंट नेम, और दूसरा कोमा के बाद दूसरा कॉलम कौन सा पिक करना है, मैंने एज, और उसका नाम वहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, कैपिटल ए, ठीक है। अब अगर हम चलाते हैं, अब आप यहां पे चेक करेंगे कि आपको वही नाम दिखा रहा है जिस नाम से आपने इसको यहां पे स्पेसिफाई किया। ये हमारा एज का कीवर्ड है कि अगर हमने वहां पे कॉलम नेम चेंज करके डिस्प्ले दिखाना है, डिस्प्ले के वक्त टेम्परेरी है, ठीक है। डिस्प्ले के वक्त अगर मैंने न्यू नेम दिखाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे उस कॉलम के साथ एस का कीवर्ड यूज करता हूँ और आगे मैं नया नाम बताता हूँ। डन ओके। अच्छा मैं दोबारा ये लिख रहा हूँ, चला रहा हूँ, सॉरी स्ट्रेट, यहाँ मैं स्टैटिक यूज कर रहा हूँ, सारे कॉलम्स आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ मैं। ये हमारे सारे रिकॉर्ड्स हैं, ओके ओके। एक रिकॉर्ड हम और एंटर कर लेते हैं, स्ट्रेट, यही हमारा है यहां पे, नुमान ये दे दिया, ओके ये हो गया हमारा। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं डिस्प्ले में लाता हूँ, डिस्प्ले में लाने के बाद ये देख लें आपके सामने ये रिकॉर्ड आ रहे हैं, ओके अच्छा अब ये रिकॉर्ड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सारों के रिकॉर्ड आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ जो डिफरेंटली है। मैंने यहाँ पे कोई यूनिक ही नहीं लगाई थी, लेकिन जब मैं डिस्प्ले के वक्त देखना चाह रहा हूँ, मैं वही रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ जो डिफरेंटली यूनिकली बिहेव कर रहे हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सिलेक्ट सिलेक्ट एज फ्रॉम टेस्ट डॉट स्टूडेंट, मैंने ये लिखा, सिर्फ मैं एज का कॉलम देख रहा हूं, जस्ट एज, एज के अंदर मैंने कॉलम देखा, ये सारी एज दिखा रहा है मुझे कि 320 की है और एक 22 की है, ओके अच्छा अब मैं कहूंगा मुझे सिर्फ वही एज दिखाए जो डिफरेंट है, सेम मुझे रिपीट ना करे। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट, आपने यहाँ पे लिखना होगा डिस्टिंक्ट, और इसके अंदर हम लिख देते हैं एज, डिस्टिंक्ट राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एज, जस्ट देखो इधर देखो, रेपिटिशन नहीं करेगा, मेरे पास रिकॉर्ड सेव है लेकिन डिस्प्ले के वक्त मुझे रेपिटिशन नहीं दिखा रहा, मुझे दिखा रहा है 20 एज वाले यहाँ पे पर्सन हैं और एक कौन से वाले हैं, 22 वाले यहाँ पे पर्सन हैं, क्लियर डन। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट एक आपका बिल्ट इन फंक्शन है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं कि आपने जो व्यू करना है ना रिकॉर्ड व्यू, वो हमने डुप्लीकेशन वाले नहीं देख रहे, जो सिर्फ डिफरेंट वाले हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डिस्टिंक्ट। अगर आप यहां पे देखते हो, मैं इसको यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, मैं यहां पे खाली एज दिखा रहा हूं आपको, खाली एज देखो यहां पे क्या दिखाएगा कि 320 वाले एज वाले हैं और एक 22 का है, इधर अबू रहा 320 वाले हैं और एक कौन सा है
122 का है। अब ये अगर आप डिस्टिंक्ट लगा रहे हो तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे रेपिटेशन वाले रिकॉर्ड है उनको नहीं दिखा रहा, सिर्फ 20 और 22 दिखा रहा है इस कॉलम में। क्लियर बात यहां तक? ये हमारा डिस्टिंक्ट का कीवर्ड है। डन, क्लियर बात यहां तक? ओके, अब हमने ये देख लिया था। मैं अब अगर ये रिकॉर्ड चला रहा हूं सिलेक्ट स्टैटिक, इसमें मुझे सारे पर्सन का रिकॉर्ड दिखा रहा है, मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे सिर्फ उन पर्सन के नाम दिखाओ जिनकी एज छोड़ दो, जिसका नाम अहमद है, मुझे बस उसका रिकॉर्ड दिखाओ जिसका नाम अहमद है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और चीज यूज करूंगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे वेयर क्लॉज। आगे आपको वेयर बताना पड़ेगा। अच्छा, ये इसकी सीक्वेंस है, ये मैटर करती है। फर्स्ट वन हमेशा हमारा सिलेक्ट होता है, सेकेंड वन हमारा फ्रॉम होता है, वेयर आपका हमेशा फ्रॉम के बाद लगता है। इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आप ये नहीं करोगे कि सिलेक्ट फिर लगा दो वेयर फिर लगा दो फ्रॉम, ये एरर है। सीक्वेंस मैटर करता है, ओके? पहला सिलेक्ट होगा, दूसरा फ्रॉम, एंड फ्रॉम के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, वेयर। वेयर क्या करता है, वेयर में हम बताते हैं कंडीशन, वेयर में हम क्या बताते हैं कंडीशन, सिलेक्ट में हम क्या बताते हैं कॉलम्स नेम, जिसको हमने देखना है कौन से कॉलम देखने हैं वो आप बताते हो सिलेक्ट में। फ्रॉम में हम बताते हैं टेबल है, किस टेबल से हमने रिकॉर्ड देखना है। वेयर में हम बताते हैं कंडीशन कि मैंने कौन से रिकॉर्ड देखने हैं। कंडीशन बता रहा हूं कि सारे ना दिखाए, मुझे फिल्टर करके दिखाए, ये जोन से मैंने देखने हैं उनको फिल्टराइज करके मुझे शो करें। डन, दैट इज ऑल। थर्ड वन ये डेट दिखाता, इसने आपको। हाँ बिल्कुल, ओके ओके। अब हम आगे देखते हैं, अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने किसका रिकॉर्ड देखना था, अहमद का, मैंने रिकॉर्ड देखना है अहमद का, तो मैं क्यूरी का लिखूंगा सिलेक्ट अस्टेरिक कि मैंने सारे कॉलम देखने हैं, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम मेरा क्या है, टेस्ट डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट से देखने हैं, वेयर, वेयर के आगे बताएंगे, वेयर एस नेम, मेरे कॉलम का नाम क्या था, एस नेम इज इक्वल टू अहमद, जहां जहां उसको एस नेम अहमद मिलेगा, एक रिकॉर्ड मिलता है, दो रिकॉर्ड मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, ये सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाएगा। ये देखें आप जरा, ये जरा मैं इसको चला रहा हूं, ये आउटपुट देखें आप, किसका रिकॉर्ड दिखा रहा है ये, अहमद के, इसने सारे कॉलम दिखा दिए आपको। क्लियर बात यहां तक, ये चीज क्लियर हो गई। इज इक्वल टू लगाते हैं, इसका मतलब होता है अगर मेरा एस नेम की वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स मुझे दिखाएगा। डन, क्लियर, ओके। अच्छा, अब हम कह देते हैं मुझे एज वो दिखाए, एज दूसरा मेरा एक और कॉलम मेरे एज नाम से भी है ना, मुझे वो वाली एज दिखाए जिनकी एज 21 बिलो है, जिनकी एज 21 बिलो है, सॉरी सिंबल ये आएगा, जिनकी एज हमारी 21 से लेस है। इक्वल टू नहीं लगा रहा, अगर इक्वल टू भी लगाना होगा तो 21 वाले भी दिखाएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं जिनकी एज इज लेस देन 21, कितने रिकॉर्ड दिखाएगा ये, तीन रिकॉर्ड दिखाएगा, हमारे 320 एज वाले हैं। ये देखें अब 22 वाला यहाँ पे डिस्प्ले में नजर नहीं आ रहा। क्लियर बात यहां तक, ये हमारा सिंबल हो गया। इसमें आप जिस तरह मर्जी करें, आप यहाँ पे लिख दो ग्रेटर देन, या लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू, या लिख दो लेस देन, या लिख दो लेस देन इक्वल टू, ये सारे आपके यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, इक्वल टू के लिए आपने डबल यूज नहीं करना, सिंगल है हमारा,
इक्वल टू के लिए हमारा कौन सा है, सिंगल है, और नॉट इक्वल टू के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओके आपने ये लगाया एक्सप्लेनेशन मार्क यहाँ पे शो करेगा नॉट को, और नॉट इक्वल टू 20 आपने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाया वो 22 एज वाला था हमारे पास, क्लियर बात यहाँ तक, ओके ओके वेयर क्लास पे बहुत बड़े लेक्चर्स हैं ये, अभी हम मजीद इसमें डिटेल में भी हम जाएंगे, क्लियर ओके अच्छा नेक्स्ट वन इधर आ जाओ बाब, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया था, ये टेबल का कोड मैंने ये किया था, मैं दोबारा चला रहा हूँ, ये टेबल का कोड किया था, मैं यहाँ पे टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ अब इम्प्लॉय, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर बना हुआ है तो बना देगा, अगर नहीं बना हुआ है तो इस तरह कर देगा, ठीक है आपको वार्निंग शो करेगा, इम्प्लॉय इम्प्लॉय के बाद ये इसके कॉलम्स नेम हो गए एस आई डी एस नेम, कॉलम नेम मैं सेम कर रहा हूँ, एज डेट ऑफ बर्थ और स्टेटस, ठीक है अच्छा इसमें हमने प्राइमरी की भी देख ली थी, एक इंडेक्स प्राइमरी की, एक हमने यूनिक की इंडेक्स भी देख लिया था, क्लियर बात यहां तक कि हमने यूनिक की भी लगाना है, और हमने नॉट नल भी देख लिया था, हमने नल भी देख लिया था, हमने आउट इंक्रीमेंट भी देख लिया, डन अच्छा इसमें एक चीज रहती है अभी एक डिफॉल्ट, मुझे स्किप हो गई थी, डिफॉल्ट आप चाह रहे हो डिफॉल्ट एक वैल्यू रखना, ठीक है मैं कह रहा हूं अगर यूजर एज एंटर नहीं करता तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे क्या रख दे, डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे रख दे जीरो, लेकिन फिर मुझे यहां पे डॉट नल हटाना पड़ेगा, क्योंकि डॉट नल नहीं लगाओगे तो वो नल करेगा, तब वो स्किप कर सकता है, तब आपका डिफॉल्ट चलेगा, वरना आपका डिफॉल्ट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है मैंने यहां पे क्या लिख दिया डिफॉल्ट जीरो, अगर यूजर एज एंटर नहीं करता, एज को स्किप करता है कि मैं एज बाद में एंटर करूंगा, तो वो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या स्टोर करेगा जीरो, अगर आपने वन करवाना है आप वन करवा दो, हम वन करवाते हैं क्योंकि वो वैसे भी जीरो स्टोर करता है, आपको सर फर्क नजर नहीं आ रहा, मैंने क्या स्टोर करवा दिया वन, ओके और अगर वो स्टेटस एंटर नहीं करता तो डिफॉल्ट में हम यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे हमने जीरो नहीं बताना, यहाँ पे आपका वार चार में है तो हम सिंगल कोट में बताएंगे, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अननोन, ओके अगर वो रिकॉर्ड नहीं एंटर कर रहा, इस कॉलम को स्किप करता है तो वो यहाँ पे शो कर देगा, बाय डिफॉल्ट सेव क्या कर देगा अननोन, ठीक है अब इसको मैं यहाँ पे चला देता हूं, लेकिन ये आपका तब होगा जिसमें आपने नल लगाया होगा, नॉट नल पे फायदा नहीं है, ये आपका चल गया ठीक है, डिफॉल्ट का भी मैं आपको समझाता हूं, देखो अभी इसमें मैं इंसर्ट की क्यूरी चला रहा हूं दोबारा, इंसर्ट की क्यूरी मेरी ये वाली है, इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा अब इंसर्ट की क्यूरी में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम बताता हूँ, एज को मैं स्किप कर देता हूँ, और किसको स्किप कर देता हूँ, ये स्टेटस को स्किप कर देते हैं, ठीक है अब हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, मैं एज को यहाँ से स्किप करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर दिया, और स्टेटस को भी मैंने यहाँ से रिमूव करके, अब हमें पता चलेगा कि अगर हम रिकॉर्ड वहां पे नहीं देते तो वो क्या बाय डिफॉल्ट सेव कर रहा है, अच्छा मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, ओके मैंने ये किया, इसको हम यहाँ पे चलाते हैं, सॉरी टेबल नेम यहाँ पे एम्प्लॉय है, मैंने टेबल नेम चेंज नहीं किया था, वो स्टूडेंट का पिक कर रहा था, उसके हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं बताई थी, अब हम चलाते हैं, आपका रिकॉर्ड चल गया है, अगर अब हमने रिकॉर्ड देखना हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, अब देखें अब मैंने यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स नहीं दिए थे, अब देखो वहां पे क्या लिखा हुआ रहा, मैंने एज नहीं दी वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू इसने क्या सेव किया है वन, मैंने स्टेटस नहीं बताया उसने क्या सेव कर दिया, क्लियर बात यहां तक, ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि अगर मैं यहां पे नहीं बताता हूं तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे क्या सेव करता है, क्लियर मैंने यहां पे सिर्फ दो कॉलम्स में वैल्यू बताई थी, अब हम यहां पे चेंज देखते हैं, ठीक है
ओके इधर बस खामोश। मैंने सारी डेटाबेसेस देखनी है कि मेरे पास कितनी डेटाबेसेस सेव हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगा शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस लिखा तो ये मुझे जितनी मेरी डेटाबेसेस बनी है सारी शो कर रहा है। देखो क्लियर, मैंने सारी डेटाबेसेस देखनी है, मैंने लिखा यहाँ पे शो डेटाबेसेस, मुझे सारी की सारी उसने यहाँ पे डेटाबेस दिखा दिया। ओके उसके बाद मैंने सारे टेबल देखने हैं, मैं लिखूंगा शो शो टेबल्स, ठीक है। ये लाइन लिखोगे एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो आपको एरर दे रहा है, वो आपको कह रहा है किस डीबी से, तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा फ्रॉम टेस्ट, टेस्ट हमने देखना है फ्रॉम टेस्ट। अब आपको ये दिखाएगा कि टेस्ट में जितनी भी टेबल्स हमने बनाए हैं, हमारे दो टेबल थे तो दोनों टेबल आपको यहाँ पे शो करा रहा है, एक एम्प्लॉय दूसरा स्टूडेंट। क्लियर बात यहां तक? नहीं, ये आपको एक ऑर्डर में दिखाता है, ये चीज मैं मिस कर गया, सॉरी ये चीज मैं बोल गया था। आप जब व्यू करते हो ना, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है सीक्वेंस में, एबीसीडी के सीक्वेंस में दिखाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे टेस्ट टेस्ट के अलावा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ स्कूल पे, कि मैंने स्कूल वाली डेटाबेस के अंदर जितने टेबल्स हैं वो सारे दिखाए, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें दिखा रहे सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में दिखाएगा, चाहे आपके एज है चाहे आपके, वो सारा आपको सीक्वेंस में दिखाएगा। डन बात यहां तक? ओके यहां तक कोई मसला? ओके यहां तक बात क्लियर? अच्छा नेक्स्ट वन, अब हम देखते हैं, अगर मैंने एक कीवर्ड आपका डिस्क्राइब के नाम से, आप डीईएससी यूज कर लो या डिस्क्राइब यूज कर लो, दोनों इक्वल है, ठीक है। आप डीईएससी यूज कर लो या डिस्क्राइब पूरा लिख दें, सेम मतलब है। मैं ये लिख देता हूं डिस्क्राइब, टेबल का नाम लिख देते हैं यहां पे डिस्क्राइब, डिस्क्राइब स्टूडेंट, ओके इधर बस अबू रहा। मैंने यहां पे लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट का मतलब है कि मैं यहां पे देखना चाह रहा हूं ये दिखाएगा क्या स्टूडेंट मेरा बना हुआ है किस डेटाबेस के अंदर, टेस्ट वाली डेटाबेस के अंदर मैंने स्टूडेंट के नाम में टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट मेरा बेसिकली टेबल का नाम है। अब इसमें चलाता हूं तो ये आपको एरर देगा, एरर क्या दे रहे हैं कि किस डेटाबेस से, तो मुझे यहां पे बताना पड़ेगा कि टेस्ट डॉट स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर मैं चलाता हूं ये देखो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का डिस्क्राइब मांगा है जो मेरा टेस्ट के अंदर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि स्टूडेंट के अंदर मेरे ये कॉलम्स के नाम रखे हुए, ये उनकी टाइप है, नल नल किस किस को अलाउ किया हुआ है, एस आई डी को भी नल अलाउ नहीं किया हुआ है क्योंकि प्राइमरी की है वहां पे, एस नेम मैंने यूनिक ही लगा दी थी तो यहाँ पे भी नॉट नल है, मैंने आगे नॉट नल भी लिखा था, एज भी मेरा नॉट नल है, डेट ऑफ बर्थ में नल अलाउ है और इसमें भी हमारा नल अलाउ है, क्लियर। और इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू, इसके अंदर मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखी, देखो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, एम्प्टी आ रही है। और ऑटो इंक्रीमेंट मैंने किस पे लगाया हुआ है, एस आई डी पे। डन बात यहां तक? ओके अगर मैं अब एम्प्लॉय चलाता हूं, एम्प्लॉय दूसरा मैंने एम्प्लॉय बनाया था, एम्प्लॉय की आपको डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे शो होगी, एम्प्लॉय की डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे शो हो रही है, एज की यहां पे क्या शो कर रहा है वन, और स्टेटस की क्या शो कर रहा है, ये मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रखी थी यहां तक, क्लियर। कोई मसला यहां तक? डिस्क्राइब का मतलब होता है कि अगर मैंने किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है ना, कि उसके अंदर मैंने किस नाम से कॉलम्स बनाए हैं, उनकी मैंने टाइप क्या रखी हुई है, किस 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 पे लगाई है, तो मैं यहाँ पे या तो डीईएससी लिख दो या पूरा डिस्क्राइब लिख दो। उसके आगे लिखा मैंने टेस्ट डेटाबेस नेम टेबल, ये आपको कहना पड़ता है टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, कि मैंने एम्प्लॉय टेबल का देखना है। ओके डन यहाँ तक? यस सर।
DESE या describe सेम है, दोनों का सेम आउटपुट आएगा. ओके अच्छा, अब ये अब आपको क्या दिखा रहे हैं, सारे कॉलम्स. मैं क्या, आप कहते हैं मैंने सारे कॉलम नहीं देख रहे, मैंने किसी एक स्पेसिफिक कॉलम का देखना है. मैं यहां पे लिख देता हूं एज का, स्पेस लिखे आगे मैंने यहां पे लिख दिया एज. अब देखो क्या आउटपुट में आएगा, खाली खाली किसका दिखा रहा है, वो एज का. आप अगर आप स्पेस देके आगे कॉलम नेम बता दोगे तो ये सिर्फ उसी कॉलम का यहां पे शो करेगा जिस कॉलम का आप इसको यहां पे कह रहे हैं. डन, क्लियर, कोई मसला यहां तक? ओके अच्छा, मैंने यहां पे शो डेटाबेस चलाया था, इसके आउटपुट में क्या आ रहा था, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, सकेला स्कूल, SYS टेस्ट एंड वर्ल्ड. ओके अच्छा, अब अगर आप कहो कि सर मैंने डेटाबेस के नाम वही देखने हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम एस, ठीक है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, शो डेटाबेसेस लाइक, लाइक कीवर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, लाइक और सिंगल कोर्स में यहां पे मैं बता दूंगा एस, ठीक है. अच्छा, इसके आगे दो होते हैं, वो सिंबल आते हैं, एक आपको आता है परसेंटेज का और एक आपको आता है अंडरस्कोर का. ये दो सिंबल हम यूज करते हैं लाइक में, इन दोनों को हम कहते हैं बेसिकली वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड, ठीक है, इन सिंबल को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वाइल्ड कार्ड. अच्छा, ये सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, यार ये सिंबल्स होते हैं जो हम किसी पैटर्न में बताते हैं, पैटर्न आप बना रहे हो ना, रेगुलर एक्सप्रेशन एक बना रहे होते हो जिसके साथ हम सिंबल यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड. ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, इसका यूज किया भी वो फुल लोग, ठीक है, एक परसेंटेज है और दूसरा यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर. अच्छा, परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं. और अंडरस्कोर का मतलब होता है यहाँ पे वन कैरेक्टर ओनली. अगर आप परसेंटेज सिंबल लगाते हो उसका मतलब होता है वहां पे कोई करेक्टर नहीं भी हो सकता, वहां पे एक करेक्टर भी हो सकता है, वहां पे अनलिमिटेड करेक्टर भी हो सकते हैं. जबकि अंडरस्कोर लगाते हो, अंडरस्कोर का मतलब होता है वन अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है ओनली वन करेक्टर को. ओके अच्छा, मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूं कि लाइक परसेंटेज, इसका मतलब ये है कि कोई भी नाम डिस्प्ले में दिखाए जो स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से, ई के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने परसेंटेज लगाए, परसेंटेज का मतलब होता है कि वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. अब इस नाम में कौन कौन से आ सकता है, खाली ई नाम वाला भी डिस्प्ले दिखा देगा वो, जिसका नाम हमने ही रखा होगा, इसमें वो एलिफेंट को भी शो कर देगा, वो ईगल को भी शो कर देगा. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैटर नहीं करते, बस ये देख रहे हैं कि जो स्टार्ट किससे हो रहे हैं, ई से. डन बात यहां पर? ओके अच्छा, अगर आप यहां पे लिख देते ई अंडरस्कोर, अब ई अंडरस्कोर से उसको समझ आ जाना था कि ये वो नाम शो करेगा जिस जो दो करेक्टर होगा, ठीक है, फर्स्ट करेक्टर आपका लाजमी ई है, सेकेंड करेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, ई ए लिख दो, तीन करेक्टर वाला सेप्ट नहीं होगा, कितने करेक्टर वाला सेप्ट होगा यहाँ पे, टू कैरेक्टर्स वाला, क्योंकि अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है ओनली वन कैरेक्टर को, जबकि परसेंटेज आपका शो करता है जीरो, हो सकता है ना भी हो सकता है एक हो सकता है मल्टीपल हो, जबकि इसका मतलब होता है लाजमी हो, लाजमी लाजमी एक कैरेक्टर हो. डन बाय यहां तक? क्लियर? ओके अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ये पैटर्न बना देता हूं, परसेंटेज ई परसेंटेज,
कैसे आपको कैसे पता परसेंटेज में तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का हिसाब ही नहीं होता तो मेड कैसे लगाओ स्टार्ट में भी कोई भी हो जाए या एंड में भी कोई भी हो जाए लेकिन किस किस तरह के पैटर्न हो सकते हैं इसमें कोई भी वर्ड मुझे बता दो सर मैं पहले भी कोई भी यही बात माना चाहिए अच्छा मुझे ये बताओ ये सब चलेगा खाली ये हाँ हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है जीरो भी हो सकता है ठीक है मैं तुझे कुछ कहा यार अगर मैं ये लिखता हूँ ई एफ ये भी सेव हो ये भी शो कर देगा क्यों क्योंकि आपका ये भी चल रहा है अच्छा अगर मैं ये लिख देता यहाँ पे अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या पैटर्न का कम अज कम लाजमी सॉरी कम अज कम कह रहा हूँ लाजमी लाजमी दो करेक्टर हो थर्ड वन आपका लाजमी क्या होगा ई फोर्थ वन क्या होगा कोई भी और फिफ्थ वन क्या होगा हाँ मतलब एंड विद एफ ठीक है रेगुलर एक्सप्रेशन में आपकी उसी की बात कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे बता रहे होते हैं ये हम एक पैटर्न बना रहे होते हैं कि किस तरह का हमने रिकॉर्ड देखना है कि आप कहते हो कि मुझे उन स्टूडेंट के नाम दिखाओ जिनके नाम एफ से बनते हैं तो आप ये लाइक यूज करोगे वहां पे बिल्कुल हाँ सचिन के लिए ओके अब इधर देखो सामने मैंने यहाँ पे लिखा शो डेटाबेसिस लाइक एस परसेंटेज अभी कौन से नाम दिखाएगा जो मेरे एस से स्टार्ट हो रहे पहले भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्कीमा भी आ रहा था टेस्ट भी हमने एक डेटाबेस बनाई थी लेकिन अब आपकी टेस्ट नाम की डेटाबेस नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी क्योंकि अब उसमें ये तीन नाम दिखा रहा है हमारे तीन नाम की यही डेटाबेस है ये आपको पैटर्न बता रहा है कि हमने इस पैटर्न के देखने कि आप देखो यहाँ पे आपने ये बताया अच्छा अगर मैं कहूँ कि ये देखना मैंने तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये अगर लिखता आप कौन सा शो होगा बस एस वाई एस और कोई नहीं था क्योंकि आपने लिखा था स्टार्ट विद एस और एंड विद एस तो उसको सिर्फ यही मिल रहा था ठीक है या अगर आप लिख देते हो थ्री अंडरस्कोर सॉरी दो अंडरस्कोर लगा देते हैं अब भी सिर्फ यही शो होगा क्योंकि दो अंडरस्कोर वाला भी हमारा यही है धन्यवाद यहाँ तक कोई इशू